बुलुंडिया एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं पंकज कुमार आ चुका हूं मां पंथा देवी के आश्रम में और एक बार फिर चुनावी चर्चा को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आज चुनावी चौपाल पर बात होगी और आज सबसे बात करेंगे चुनावी चौपाल में। सबसे बड़ी बात बताएं भरपूर लोकसभा के एक छोटा सा गांव और बात करें तो तकरीबन 4000 के आसपास यहां की आबादी है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि यहां पर भी स्थित है मां पंथा देवी का दरबार। और सबसे बड़ी बात यह है कि मां पंथा देवी का दरबार जो सचेंडी से करीब 2 किलोमीटर दूर है और कानपुर से करीब 20 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चुनावी चौपाल में। नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। एक बार फिर हम 2024 के चुनावी चौपाल के कार्यक्रम में आपके साथ में आपके सम्मुख मुखातिब हैं। ये कार्यक्रम लगातार आपको आप तक पहुंचाया जा रहा है और महंत फक्कड़ बाबा महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, उनकी अनुमति लेते हुए ये चुनावी चौपाल हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो महाराज जी, श्री श्री 108 स्वरूपानंद सरस्वती महाराज फक्कड़ बाबा जी, ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, हर वर्ग कहीं ना कहीं इस चुनाव से प्रभावित होगा, जो उस लोकसभा चुनाव की चर्चा पर आपका स्वागत करते हैं। अकबरपुर लोकसभा चुनाव की चौपाल में मैं आपसे अनुमति लेता हूं और आपको भी शायद ज्ञात होगा कि यहां पर बहुत ही कांटे का और बहुत ही टक्कर का चुनाव हो रहा है। तो क्या आपको लगता है अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से भोले सिंह हैं जो तीसरी बार प्रत्याशी हैं और साथ में ये गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल जो पूर्व सांसद हैं, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से सांसद रहे, मुख्य मुकाबला इन्हीं के बीच में है, आपको कैसा लग रहा है चुनाव, क्या आसार हैं आपके हिसाब से? अब हमारे आसार तो ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव भोले सिंह को तो जितना मोदी के ऊपर है, मोदी जिता सकते हैं भोले सिंह को, लेकिन भोले सिंह स्वयं अपने वर्चस्व से नहीं जीत पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। क्यों कि ये किसी की सुनते नहीं, किसी को देखते नहीं, और अभी तो शायद है गांव गांव दौड़ा कर रहे। हाँ, जनता इनसे रोष है क्योंकि 10 साल में जनता से जुड़ाव नहीं बना पाए, उनके साथ कहीं न कहीं उनका तालमेल नहीं बैठ पाया। अब चुनाव का जब वोट का समय आया है तो एक बार फिर फेरी लगाने के हिसाब से वो अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। इन फेरियों को कहीं न कहीं जनता नकारने की स्थिति में भी एक होती है, जब आदमी ऊबता है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में विकास कार्यों से सरोकार नहीं रहा, तब वो कहीं न कहीं दूसरे लोगों की तरफ मुखातिब होता है। मुझे ऐसा लग रहा है गठबंधन प्रत्याशी राजा रामपाल यहाँ इस लोकसभा में अपना पल्ला भारी करते हुए नजर आ रहे हैं। संभावना तो मुझे भी यही लग रही है कि राजा रामपाल निकल सकते हैं, अगर जो यहाँ की पार्टियां हैं, जो यहाँ के लोगों की वाणी को सुना जाए, समझा जाए, उस हिसाब से 99% लोग भोले सिंह को माले सपोर्ट नहीं करता है। खैर ये आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन हमारा एक छोटा सा अनुमान ये है कि अगर राजा राम पाल चुनाव जीतते हैं तो वो अपनी व्यक्तिगत छवि पर जीतेंगे, और अगर भोले सिंह फिर चुनाव जीतते हैं तो वो पार्टी की वजह से जीतेंगे, ये तय है। आपके भक्त लोग भी बैठे हैं तो हम समझते हैं कि चुनावी चौपाल में उनको शामिल कर लिया जाए। आपका क्या शुभ नाम है? हमारा नाम दुल्लू अवस्थी है। दुल्लू अवस्थी, आप यहाँ क्या क्या करते हैं? हम माता रानी की सेवाधारी हैं। सेवाधारी हैं, तो सेवाधारी जी आपसे तो कई बार मुखातिब हो चुके हैं जी। आपके सामने ये 2024 के अकबरपुर क्षेत्र का रण सामने है, इसमें प्रत्याशियों के बीच रोचक मुकाबला हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या आसार है? का मुकाबला लग रहा है, राजा रामपाल को जो वोट मिल रहा है, भोले सिंह का आक्रोश का वोट मिल रहा है, आक्रोश का वोट मिल रहा है, आक्रोश का वोट। और उनका अच्छा, भोले सिंह से लोग असंतुष्ट क्यों हैं? असंतुष्ट है कि इन्होंने किसी गांव में आके अपना विकास करना कार्य देखा, न जनता से मिले, न जनता के हित कर बातें की, मतलब जुड़ाव नहीं बना, जुड़ाव नहीं बना पाए, मतलब यहाँ से जनता से, जनता लोकप्रियता के आधार पर नेता का चयन करती है, लोकप्रियता नहीं बना पाए जी, वो जी, जी, जी। हाँ, तो इनके कोई विकास कार्य आपको याद है? भाई हमारे यहाँ गांव तो कोई विकास कार्य इनके द्वारा, क्षेत्र में कोई विकास कार्य सुना है कि ओवर ब्रिज सचिन दे रहे हैं भाई, इनकी कुछ है तो ये तो है, तो भाई तो बात है गलत की हो गई, मगर जनता का जुड़ाव नहीं है। हाँ, तो ये तो एक जनता की समस्या को देखते हुए उसको एक वो उन्होंने एक प्रयास किया,
लेकिन जैसा इनको करोड़ों रुपए की वो मिलती है, सांसद निधि मिलती है, उससे विकास कार्य इनके कुछ आपको समझ में आए? विकास कार्य हमें भाई कोई नहीं समझ में, आपके गांव में कोई विकास कार्य? कोई विकास कार्य बोले सिंह का नहीं। तो इसका मतलब आपके गांव का वोटर क्या सोच रहा है? अब वोटर वो अधर में है, अधर मोदी भी है, इधर राजा रामपाल भी है। अच्छा, बोले को बहुत कम लोग देख रहे हैं। अच्छा, राजा रामपाल पर तो एक आरोप लग चुका है, बहुत गंभीर आरोप है कि उन्होंने सवाल पैसे लेकर पूछे थे संसद में। तो क्या ये छवि जनता के बीच में लग रही है, जाएगी? हाँ, कुछ ना कुछ तो जा सकती है। अच्छा, गठबंधन प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस और सपा का एकजुट वोट इनको मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। तो इधर मोदी की लहर है, मोदी के लहर का फायदा उनको भोले सिंह को कितना मिल सकता? हाँ, है कुछ भले मिल सके, नहीं राजा रामपाल भी भारी हो सकते हैं, भोले सिंह भारी हो सकते हैं। कुल मिला के मुकाबला कांटे का है, कांटे का। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम पंकज कुमार है। अच्छा, तो आपका अनुमान क्या लग रहा है? हमारा अनुमान 44 अकबरपुर लोकसभा सीट पर दो ही कांटे की टक्कर है। अच्छा, आपको 44-45 सब याद है, क्योंकि आप इसका मतलब शैक्षिक रूप से जागरूक नागरिक हैं। जी, ये है कि चुनावी पर्व चल रहा है भारत के अंदर और अच्छा, इस पर्व का आनंद उठा रहे हैं। हाँ, तो और जनता को भी जागरूक कर रहे हैं कि अपने वोट। आप आंकड़ों पर आधारित कुछ बताइए दर्शकों को, क्या 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 लग रहा है आपको? आंकड़ों के आधार पर बताएं तो सबसे बड़ी बात है कि देवेंद्र सिंह भोले और भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो पार्टी ही इतनी बड़ी पकड़े है कि उस पार्टी को भेद पाना राजा रामपाल के अभी उस बस में नहीं है, वो तो जनता का रुझान ही तय करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कोई छोटे मोटे उम्मीदवार देवेंद्र सिंह भोले नहीं है। 10 लाख वोट पड़े थे पिछले 2019 में, और 10 लाख वोटों में से 5 लाख वोटों से हराया था। बड़ी जीत थी। तो ये मोदी लहर थी, तो ये और मोदी की प्रचंड लहर का परिणाम था। हाँ, ये कह सकते हो। उसी लहर के चलते अब वो गाँव से अपने क्षेत्र से किनारा काटते रहे, क्योंकि उनका एक बयान भी आया था कि टिकट तो हम जेब में रखते हैं लेकर। तो इस तरीके से अगर भाषा शैली का प्रयोग करेंगे, और एमपी आदमी कब चुनता है? एमपी एक इतना बड़ा आदमी होता है, एमपी की वजह से प्रधानमंत्री बनता है। एमपी की ही देन है जो प्रधानमंत्री चुनते हैं। नहीं, एमपी भी तो प्रधानमंत्री होता है। हाँ, एमपी भी प्रधानमंत्री भी होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात बताएं कि देवेंद्र सिंह भोले की बात करें तो देवेंद्र सिंह भोले, जैसा कि हमारे आदरणीय बड़े भैया ने कहा कि देवेंद्र सिंह भोले गांव में नहीं जाते हैं, गांव में नहीं जाते, ये तो बिल्कुल सत्य है। गांव में जाना न जाना ये बस वो सोचते हैं कि हम मोदी हैं तो हम जीत जाएंगे। ये बीजेपी नेताओं का कल्चर है कि जीतने के बाद जनता को भुला देने का? हाँ, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी में जितने भी एमपी हैं, इससे पहले श्याम बिहारी पर भी आरोप यही था, क्योंकि वो भी तीन बार सांसद बने। एक बड़ी बात और बता रहे हैं सर कि आप भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं, आप कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रचार देखते हैं या वो जनता से आश्वासन देते हैं कि हम ये करेंगे, सब वोट मांगते हैं प्रधानमंत्री की चलाई हुई योजनाओं पर। ये नहीं बताते हैं जाके गाँव में कि हम तुम्हारे लिए नल लाएंगे, हम तुम्हारे लिए सड़क बनाएंगे, हम तुम्हारे लिए बिजली के खंभे ज्यादा बनवाएंगे, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर डिजिटल मीटर लगवाएंगे, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी कोई भी बातें मुद्दे पर बात नहीं करने नहीं आते हैं। हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी राजा रामपाल की, तो राजा रामपाल एक इस छवि के व्यक्ति हैं कि जैसा कि आपने अभी एक सवाल कहा था कि उन्होंने संसद में जाकर ऐसा बोला था। देखिए, कहीं ना कहीं सांसदों का रहस्यमय चरित्र कोई नहीं जानता है। हाँ, इनका वो खुल गया था, इसलिए वो बात प्रसंग में आ गई। हाँ, लेकिन ये सब तिक्रम करते हैं राजनीतिक जितने हैं, और इनके छोटी से बात हम समझाते हैं। थोड़ा सा दर्शक भी देखेंगे कि आप जब प्रधान बनने जाता है आदमी, तो प्रधान बनने से पहले जब उम्मीदवार होता है तो वो कहता है अरे हम तुम्हें पक्का कॉलोनी देंगे, हम तुम्हारे यहाँ पक्का शौचालय बनवाएंगे, हम तुम्हारे यहाँ ये करवा देंगे, हम तुम्हारे यहाँ वो करवा देंगे। और जब जीत जाता है वही प्रत्याशी, तो वो केवल 5 साल जनता को इसमें भ्रम में रखता है कि तुम अपना आधार कार्ड बनवा लो, तुम अपना वो बनवा लो, और तुम अपना केवल विधवा पेंशन बनवा लो,
वो कॉलोनी ये सब व्यापारों को छोड़ भूल जाता है। ऐसा राजा रामपाल नहीं करेंगे। राजा रामपाल एक जनता से जुड़ाव कर्मठता के मामले में आप राजा रामपाल को बेहतर मानते हैं, आगे मानते हैं। और कर्मठता के साथ साथ जुझारूपन भी है उनके अंदर और वो जनता जनार्दन की बात सुनेंगे। चलिए अच्छा, चलिए अच्छा ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति थी। बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी है वो राजेश कुमार द्विवेदी जी हैं। और द्विवेदी जी की बात करें तो उनका कोई अभी इतना बड़ा चेहरा नहीं है या हम खुद नहीं जानते हैं। अभी व्यक्तिगत अगर हमें मिल जाएंगे तो हम खुद नहीं जान पाएंगे, तो जान जनता भी नहीं जानना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, ऐसा है तो कैडर बोर्ड मिलना तो मायावती के उससे मिल सकता है और नहीं तो ज्यादा मतलब आंशिक रूप से मिलेगा। ज्यादा बिखरेगा तो ये कहाँ जा सकता है? बिखरेगा तो दो जगह जा सकता है। राजा रामपाल को फर्स्ट प्रायोरिटी है और दूसरी बात ये है कि अब मोदी जी के फ्री राशन से और मोदी जी के बिजली से और मोदी जी के गांव गांव नल जल वाला जो योजना है उससे मोदी जी के 2000 किसान निधि मतलब एक बसपा के वोटर में भी सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी नहीं मोदी को हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बीजेपी नहीं कह सकते। और मोदी की नीतियों के अनुसार ये सेंध मारने का काम देवेंद्र सिंह भोले के प्रत्याशी के। चलिए खैर मुख्य मुकाबला आप लोगों के हिसाब से राजा रामपाल और भोले सिंह के बीच में है, आपका क्या सुनना में भी है? तिवारी जी आप क्या कहेंगे, आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? तो भोले सिंह नहीं जीत पाएंगे उम्मीद तो ऐसी। ऐसा है? ऐसा क्यों है? यही है कि गांव-गांव में व्यवस्थाएं न देखने, मतलब उनके वोटर उनसे संतुष्ट नहीं है। तो ये वोटर कहाँ जा सकता है? राजा रामपाल को। हाँ तो इसका मतलब राजा रामपाल का पल्ला भारी नजर आ रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मुन्ना पासवान जी आप क्या बताएंगे? अच्छा तो आप मतलब मोदी के नाम पर राजा रामपाल को देंगे? मोनू तिवारी नाम है। नहीं तो आप आंकड़ों पे बात कर रहे थे। जी जी इनसे बात हो रही थी, ये कह रहे हार जाएंगे। हमने कहा हारने कोई चांस नहीं है। नहीं हारना जितना आप तार्किक कितना भी आती तो बराज आएगा लेकिन भैंसे का हिस्सा तो बना ही रहेगा। अच्छा हल्ले बिल्कुल नहीं क्या मतलब मरा थी सवा कुंटल का। भैंसे का हिस्सा तो बना ही रहेगा। अच्छा अच्छा कितना भी मर जाएगा बीजेपी चाहे जितनी। अब बीजेपी का इन्हीं के हिस्से कैंडिडेट आ जाएंगे तो चाहे भले चुनाव हरवा दे, बीजेपी चुनाव नहीं हारती है। इनके हिस्से कैंडिडेट आ जाए तो एक बात भले हार जाए लेकिन और कहीं से बीजेपी नहीं हारेगी। इन्होंने देख रेख नहीं गाँव में समाज सेवा नहीं करी तो चाहे भले यहाँ से हार जाए। आप देखो आप समाज सेवक हैं इसलिए आप इनसे उम्मीद करते हैं। हाँ तो हम तो करते हैं कि अब की बात जीत लो नहीं तो अब की कहानी खत्म। ऐसा है? हाँ अब आज जीत गए हैं तो मोदी की लहर थे अपने से न जीते पाई है। वही तो अपनी मेहनत से नहीं जीत रहे हैं। ये तो सब जनता भी जान रहे। अब जनता के आगे मजबूरी है क्या करे, देना तो बीजेपी को है ना। हमें देखना मोदी को, नीचे वाले को थोड़ी देखना, ऊपर वाले को पहुंचाना है। आज की चौपाल में ज्यादातर आपके साथी लोग भक्त लोग कह रहे हैं कि हार जाएंगे। हार जाएंगे तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अभी ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन महंत से लेकर के यहाँ पर जितने सुमंत लोग बैठे हैं, ये जनता सुमंत ही है, भक्त लोग सुमंत ही है आपके सभा के, तो इनके हिसाब से राजा रामपाल का पल्ला भारी नजर आ रहा है। और हम तो ये समझ रहे हैं कि जीत हार तो 4 जून को पता चलेगी, लेकिन इसके पहले आप इन चर्चाओं को ऐसे ही शामिल करते रहिए क्योंकि नेताओं का मूल्यांकन भी होना चाहिए, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये सब आप इनकी समीक्षा कीजिए और अपने आत्मा की आवाज़ पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए और बटन दबा करके अपने मन मुताबिक प्रत्याशी का चयन कीजिए। इसी के साथ आज की चुनावी चौपाल में हुई है। उसी बीच हमारे आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक और बलवीर सिंह आसर जी मौजूद हैं। आज उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं इन्हीं मुद्दों पर जो बीच में चौपाल में हुई है। क्या लगता है 44 अकबरपुर लोकसभा सीट में जिस तरीके से कांटे की टक्कर देवेंद्र सिंह भोले और राजा रामपाल में दिख रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं,
तो तुमको 10 साल हो गया, आपने जनता के बीच में बहुत अच्छे सरोकार नहीं बनाए, व्यवहारिक संबंध नहीं बनाए, तो निश्चित रूप से आपका बोझ एक मोदी के नाम पर, मोदी की लहर के नाम पर कब तक बोझी बनता है। इसलिए कुछ डाइवर्जन लग रहा है, इसलिए इनकी जीत जो सुनिश्चित कही जा सकती थी उसमें संशय पैदा हो रहा है हमारे हिसाब से। बिल्कुल सर, इस बात करें तो 2014 में और 2019 में काफी अंतरों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया है देवेंद्र सिंह भोले ने। एक बार तो कहें 56% वोट पड़े थे 2019 में, 10 लाख वोट पड़े थे टोटल, और 10 लाख में से 5 लाख वोटों से निशा सचान को हराया था, इसको भी ना भूलिएगा सर 2019 के चुनाव को लेकर। निश्चित रूप से देखिए जो वातावरण है वो भाजपा में है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि हाल में राम मंदिर की स्थापना और तमाम सारे ऐसे धार्मिक मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के योद्धा जब विपक्ष पूरी तरह से मौन है, अब वो आजकल से निकलना शुरू हुआ है विपक्ष के नेताओं का रैलियों के लिए, और मोदी और योगी अमित शाह ये तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक ये लंबे समय से रैलियां कर रहे हैं। अच्छा सर, इसी जगह पर एक सवाल और हम जोड़ना चाहेंगे, इसमें सवाल बहुत अहम है क्योंकि मैं कई जगह गया हूँ और कई जगह ये चर्चा हुई है। देवेंद्र सिंह भोले को कुछ जो ब्राह्मण वर्ग है वो नाराज इसलिए है क्योंकि एक तो कांड हो गया था मड़ौली में, और दूसरा कांड हुआ दुबे जी का, विकास दुबे का, इसको लेकर वो बोलते हैं, और एक नीरज गौड़ जी हैं वहां पर भी, जो देहात क्षेत्र का जितना भी लाइन है वो ब्राह्मण वर्ग देवेंद्र सिंह भोले से बहुत खफा है। वो ये बोलते हैं कि सताते हैं हम ही लोगों को, ऐसा कुछ कहते हैं, जब हमने आम जनता से पूछा था, तो इसको लेकर थोड़ा सा आप कुछ कहेंगे? देखिए वो जो जिस क्षेत्र के वो निवासी हैं वहाँ पर जातीय राजनीति जबरदस्त मोर्चों पर रही है, कमलेश पाठक भी वहाँ पर फाइट कर चुके हैं। कमलेश पाठक जिस समय चुनाव लड़े थे उस समय ठाकुर बनाम ब्राह्मण की वहाँ लड़ाई हुई थी, इनको पराजित होना पड़ा था, है ना। ये एक बार विधायक बने भोले सिंह, इसके बाद से कई बार ये हारे भी वहाँ से चुनाव, है ना। तो ये कह सकते हो कि ब्राह्मण वर्ग इनसे उनके क्षेत्र का संतुष्ट नहीं रहा है, तमाम सारे उसके कारण है। ये मड़ौली कांड ये तो तात्कालिक कारण माने जा सकते हैं, इसके अलावा भी ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय राजनीति के लिए वो कहीं न कहीं उनके पक्ष, उनके साथ में व्यवहारिक कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो वो तालमेल नहीं बना पाए, जबकि जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपको सारे जिले सूबे मिला करके तालमेल बनाने की जरूरत थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिलते हैं दर्शकों नए वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चुनावी चौपाल को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी चौपाल में बस इतना ही, हम फिर किसी विशेष खास कार्यक्रम में आपके सम्मुख उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। चलो